नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो आपके अंदर छुपी हुई अमेजिंग क्षमताओं को जगाने का रास्ता दिखाएगा। हम सबके अंदर अनलिमिटेड शक्तियां होती हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। ये शक्तियां हमें एक हायर कॉन्शियसनेस से जोड़ती हैं और जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का मौका देती हैं। आध्यात्मिक शक्तियों को जगाना आत्मिक जागरूकता, ध्यान और लगातार प्रैक्टिस से पॉसिबल है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात कमाल कर दे, बल्कि ये तो एक अंदरूनी सफर है जो हमें अपनी असली पहचान का एहसास दिलाता है। इस वीडियो में हम चार जरूरी आध्यात्मिक शक्तियों, अंतर्ज्ञान, अतिरिक्त संवेदी धारणा, दूरदर्शिता और मानसिक शक्तियों के बारे में जानेंगे। ये शक्तियां हमें न सिर्फ बाहर की दुनिया को समझने में मदद करती हैं, बल्कि हमारे अंदर के ब्रह्मांड से भी जोड़ती हैं। आइए इस नॉलेज के साथ अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। इस नॉलेज के अंतर्ज्ञान, वो फुसफुसाहट है जो आपके अंदर हमेशा बनी रहती है। यह वो इनर वॉइस है जो आपको सही और गलत में फर्क समझने में मदद करती है, बिना किसी लॉजिक या एनालिसिस के। यह एक गहरी समझ है, एक सडन नॉलेज जो आपको सही रास्ता दिखाता है। अंतर्ज्ञान को डेवलप करने के लिए आपको अपने मन की बेचैनी को शांत करना होगा। ध्यान और मौन इस सफर में आपके साथी बनेंगे। जब आप अपने मन को शांत करते हैं तो आप अपनी इनर वॉइस को साफ सुन पाते हैं। कई बार हम बाहर की दुनिया के शोर में अपनी अंतर्ज्ञान की आवाज को इग्नोर कर देते हैं। हम लॉजिक, एनालिसिस और दूसरों की राय में इतने उलझे रहते हैं कि अपनी इनर विजडम को भूल जाते हैं। अंतर्ज्ञान को पहचानने का एक आसान तरीका है आपके शरीर का रिएक्शन। जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो ध्यान दो कि आपका शरीर कैसा फील करता है। क्या आप हल्का और एनर्जेटिक फील करते हैं या भारी और थका हुआ? अगर आपका शरीर पॉजिटिव रिएक्ट करता है तो यह आपकी अंतर्ज्ञान की एक्सेप्टेंस है, और अगर आपका शरीर नेगेटिव रिएक्ट करता है तो यह एक वार्निंग है कि आप जी ही गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अपनी अंतर्ज्ञान को मजबूत बनाने के लिए आपको इस पर विश्वास करना होगा। जितना ज्यादा आप अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करेंगे, उतनी ही यह क्लियर और एक्यूरेट होती जाएगी। यह एक ऐसा सफर है जो पेशेंस और प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन जब आप अपनी अंतर्ज्ञान से जुड़ जाते हैं तो आप जिंदगी के हर मोड़ पर सही फैसला लेने में कैपेबल होते हैं। आपके अंदर एक कमाल की शक्ति है, अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति। इसे पहचानो, इसका सम्मान करो और इस अमेजिंग एबिलिटी का यूज अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए करो। हमारी पांच इंद्रियां, देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना, हमें बाहर की दुनिया से जोड़ती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन इंद्रियों से परे भी एक दुनिया है जिसे हम अतिरिक्त संवेदी धारणा ESP के जरिए एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ESP एक ऐसी क्षमता है जो हमें नॉर्मल इंद्रियों के बिना इंफॉर्मेशन हासिल करने में मदद करती है। यह एक गहरी संवेदनशीलता है जो हमें एनर्जी, विचारों और भावनाओं को सूक्ष्म स्तर पर ग्रहण करने की अनुमति देती है। ESP के कई रूप हैं, जैसे कि टेलेपैथी, जिसमें बिना किसी भौतिक माध्यम के विचारों का संचार होता है, क्लेयरवॉयंस, जिसमें आप किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बिना किसी पहले की इंफॉर्मेशन के नॉलेज प्राप्त करते हैं, और प्रीकॉग्निशन, जिसमें आप फ्यूचर की घटनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। ESP का डेवलपमेंट एक धीमी और स्टेबल प्रक्रिया है। यह ध्यान, एकाग्रता और एनर्जी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के माध्यम से पॉसिबल है। जब आप अपने मन को शांत करते हैं और अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं तो आप सूक्ष्म एनर्जीज और कंपन को फील करने लगते हैं। यह वह चेतना की अवस्था है जहां ESP के दरवाजे खुलते हैं। ESP का यूज सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होना चाहिए, इसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डेवलप करना चाहिए, क्योंकि यह एक पावरफुल टूल है
जो आपको दूसरों की मदद करने और दुनिया में पॉजिटिव बदलाव लाने में मदद कर सकता है। अपनी ESP क्षमताओं को डेवलप करने के लिए आपको पेशेंस, प्रैक्टिस और एक खुले मन की जरूरत होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम समय के पर्दे के पीछे झांक सकते हैं? क्या हम फ्यूचर की घटनाओं के बारे में पहले से जान सकते हैं? इसका जवाब है हां, दूरदर्शिता के जरिए। दूरदर्शिता एक स्पेशल मानसिक शक्ति है जो आपको फ्यूचर की घटनाओं को देखने की अनुमति देती है। यह ऐसा है जैसे आप समय की नदी में झांक रहे हों और आने वाली घटनाओं की झलक पा रहे हों। दूरदर्शिता का एक्सपीरियंस कई तरीकों से हो सकता है। कुछ लोग सपनों के जरिए फ्यूचर की झलक पाते हैं, जिन्हें भविष्य सूचक सपने कहा जाता है। दूसरे लोग ध्यान या गहरी एकाग्रता की पोजीशन में दर्शन या तस्वीरों के जरिए फ्यूचर देखते हैं। दूरदर्शिता का डेवलपमेंट एक चैलेंजिंग काम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। यह ध्यान, एकाग्रता और अपनी अंतर्ज्ञान को मजबूत करने के जरिए पॉसिबल है। जब आप अपने मन को शांत करते हैं और अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, तो आप समय और स्थान की सीमाओं से परे देखने की क्षमता डेवलप करते हैं। दूरदर्शिता का यूज सावधानी से किया जाना चाहिए। यह फ्यूचर के बारे में पूरा सच नहीं बताता, बल्कि संभावित घटनाओं की झलक प्रदान करता है। भविष्य परिवर्तनशील है और हमारे कर्म वर्तमान और फ्यूचर दोनों को आकार देते हैं। हमारा मन एक कमाल का टूल है जिसमें अनलिमिटेड क्षमताएं होती हैं। मानसिक शक्तियां हमारे मन की उन छिपी शक्तियों को बाहर निकालने का रास्ता दिखाती हैं, जो हमें अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से जीने का मौका देती हैं। मानसिक शक्तियां हमें नेगेटिव एनर्जी से बचने, अपनी इच्छाओं को पूरा करने और अपने आसपास की दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता देती हैं। इन शक्तियों का आधार एकाग्रता, दृढ़ इच्छा शक्ति और पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह है। एकाग्रता मन को एक ही जगह फोकस करने की क्षमता है, जो मानसिक शक्तियों का आधार है। जब आपका मन डिस्ट्रैक्टेड होता है, तो आपकी एनर्जी भी बिखर जाती है, जिससे आपकी मानसिक शक्तियां कमजोर होती हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की मजबूत भावना है। यह वह शक्ति है जो आपको चुनौतियों का सामना करने और अपने गोल्स पर फोकस रहने की प्रेरणा देती है। पॉजिटिव एनर्जी मानसिक शक्तियों का ईंधन है। यह आपको प्रेरित रखती है, आपको ताकत देती है और आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती है। मानसिक शक्तियों का डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, जो पेशेंस, प्रैक्टिस और सही मार्गदर्शन की मांग करती है। ध्यान, योग और प्राणायाम जैसी टेक्निक्स मन को शांत करने, एकाग्रता बढ़ाने और एनर्जी के प्रवाह को बैलेंस करने में मदद करती है, जिससे मानसिक शक्तियों का डेवलपमेंट होता है। मानसिक शक्तियों का यूज हमेशा अच्छाई के लिए करना चाहिए। इनका गलत इस्तेमाल करने से नेगेटिव परिणाम भी हो सकते हैं। आज हमने आध्यात्मिक शक्तियों की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा देखा है। यह सफर अंतर्ज्ञान को जगाने से शुरू होकर अतिरिक्त संवेदी धारणा के रहस्यों को खोलता है, दूरदर्शिता के जरिए फ्यूचर की झलक दिखाता है और अंत में मानसिक शक्तियों की अनलिमिटेड क्षमता का परिचय देता है। यह याद रखना जरूरी है कि ये शक्तियां हमारे अंदर पहले से ही मौजूद हैं, बस इन्हें जगाने की देर है। यह एक ऐसा सफर है जो पेशेंस, प्रैक्टिस और समर्पण की मांग करता है। आपकी आध्यात्मिक शक्तियों को जगाना आपकी जिंदगी को एक नए नजरिए से जीने का न्योता है। एक ऐसी जिंदगी जो ज्यादा सार्थक, संतुष्ट और आनंदमय हो।